Hello students, I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss the poem number 2 of class 12 Flamingo book, that is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by Stephen Spender. Before going through the world meanings and the stanza explanation, let's discuss what the title says about. पोएम को डिस्कस करने से पहले, वर्ल्ड मीनिंग को जानने से पहले, एक बार देख लेते हैं कि टाइटल में क्या कहा जा रहा है. सो हेयर द एलिमेंट्री स्कूल्स. एलिमेंट्री स्कूल्स मीन्स स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल. सो एंड स्लम्स. स्लम्स मीन्स हेयर इज अ लोकेलिटी ऑफ अ पुअर पीपल्स विच रिसाइड्स बेसिकली इन अ सिटी और अ टाउन. मतलब स्लम झुग्गी झोपड़ियाँ, मतलब एरिया जहाँ पर शहर या नगर के जो गरीब लोग होते हैं वो जिसमें निवास करते हैं उसके बारे में बताया गया है. और ये जो पोएम है, दिस पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. सो बिफोर बिगनिंग दिस लेट्स बिगनिंग द पोएम लेट डिस्कस सम वर्ल्ड मीनिंग. पोएम को शुरू करने से पहले वर्ल्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव द गस्टी वेव्स. गस्टी वेव्स मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक वेव्स. स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक वेव्स. नेक्स्ट वर्ड वीट्स. वीट्स मीन्स अनवॉन्टेड प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनकी खेती नहीं की जाती है. नेक्स्ट वर्ड टॉन राउंड. टॉन राउंड स्कैटर्ड इम्प्रॉपरली. मतलब कि बेतरबी से बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए. नेक्स्ट वर्ड पेलर. पेलर मीन्स पेल कलरिंग ऑफ द फेस. चेहरे का पीला पड़ना. आउट ऑफ द इलनेस और फियर. डर की वजह से या तबीयत खराब होने की वजह से. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ स्टंटेड. स्टंटेड मीन्स नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड. अविकसित या फिर माल नरिश्ड. कुपोषित. नेक्स्ट वर्ड इन दिस पोएम पेपर सीमिंग. पेपर सीमिंग का मतलब वेरी थिन और वीक. मतलब पेपर की तरह, मतलब बहुत पतला और कमजोर. नेक्स्ट वर्ड ट्विस्टेड. ट्विस्टेड मीन्स बेंट, मुड़ा हुआ. अगेन नेक्स्ट वर्ड नॉल्ड. नॉल्ड मीन्स ट्विस्टेड एंड रफ. ट्विस्टेड मीन्स मुड़ा हुआ, रफ. एंड देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ आयर. आयर्स मीन्स सक्सेसर, उत्तराधिकारी. अगेन नेक्स्ट वर्ड डिम. डिम्स मीन्स अनक्लियर, लो लाइट और स्पेस्ट, कम रोशनी. द इलेवंथ वर्ड वी हैव रिसाइटिंग. रिसाइटिंग मीन्स द टू स्पेल और शो. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर द स्टैंजा वन, दैट इज द रेड साइज. रेड साइज इस पोएम में यूज किया गया टू डिनोट वीक एंड हंग्री, मतलब कि भूखा और कमजोर को दिखाने के लिए. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में एक एलिमेंट्री स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल, एक स्लम एरिया में, और उस स्लम एरिया में जो एक क्लासरूम है उसके बारे में बताया जा रहा है. मतलब एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल का जो क्लासरूम है उसके बारे में बताया जा रहा है. उस क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट आर दियर कंडीशंस और व्हाट आर दियर ड्रीम्स. सो नाउ लेट्स बिगिन द पोएम. पोएम को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. सो फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. मतलब फार फार, लुक एट हेयर, द पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन हैज बीन यूज ओवर. यहाँ पे पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन यूज हुआ है. तो फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, मतलब कि बहुत बहुत दूर. गस्टी वेव्स मतलब एनर्जेटिक वेव्स से, मतलब बाहरी बातों से बहुत बहुत दूर. दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके चेहरे हैं, कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब बिल्कुल अनवॉन्टेड प्लांट्स जो होते हैं उनकी तरह इनके चेहरे हैं. अगेन द पोएटिक डिवाइस सिंबली हैज बीन यूज ओवर हेयर. द हेयर टॉन राउंड दियर पैलर, और उनके जो बाल हैं वो बितरबी से बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं. दे आर नॉट कॉम्ब्ड प्रॉपरली, बाल सही से कॉम्ब्ड नहीं है. अराउंड दियर पेलर. पेलर मीन्स येलोइश फेस में उनके बाल जो हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं. और उसी क्लास में एक लड़की भी है स्टूडेंट्स. द टॉल गर्ल विथ अ वे डाउन हेड. उस क्लास में एक लड़की है जो एक लंबी सी लड़की है और जो उसका सिर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है. नीचे की तरफ झुकने से हम यहाँ पर मतलब ये आई थिंक वो या तो सो रही है या फिर वो हंगर पॉवर्टी की वजह से उसका सिर नीचे है. द पेपर सीमिंग बॉयज, और एक बच्चा है जो बिल्कुल पेपर की तरह पतला है, थिन है. विथ रेड साइज, जिसकी आंखें बिल्कुल चूहे की तरह, यहाँ पर चूहे की तरह आंखें दिखाने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हंगरी, वो खाने की सर्च कर रहा है, इधर उधर देख रहा है. द स्टंटेड अनलक्की आयर, और स्टंटेड मीन्स मुड़ा हुआ, यहाँ पर ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. दैट इज़ द अनलक्की आयर, मतलब कि अभागा आयर, सक्सेसर है वो. सक्सेसर किस चीज़ का? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का. मतलब कि माल नरिशमेंट होने की वजह से, कुपोषण होने की वजह से जो उसके जो हड्डियां हैं वो तब मुड़ी हुई हैं उसकी. इट इज़ अनप्रॉपर, इट इज़ अनडेवलप्ड, वो सही से डेवलप नहीं है. और रिसाइटिंग अ फादर नाज डिसीज़, और जो हड्डियाँ मुड़ी हुई वो बता रही हैं क्या चीज़? ऑफ ऑफ रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, उसके फादर की जो विरासत में जो मतलब है उसको, उसको फादर से जो बीमारी मिली हुई है वो बीमारी दिखा रहा है. हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, अपने मतलब अपने जो डेस्क से है वो यही बता रहा है, जो अपने फादर की जो बीमारी है उससे जो नाल मीन्स यहाँ पर गांठदार, जिसको हम कह सकते हैं हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, वो जो बीमारी उसको फादर से उस बच्चे को मिली है वो यहाँ पर क्लास में शो कर रहा है.
रहा है एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और वो जो क्लास है उसमें प्रॉपर लाइटनिंग कंडीशन भी नहीं, बहुत अनक्लियर है उस क्लास में, रोशनी नहीं है सही से, तो वही बता रहा है एट द बिग बैक ऑफ द डिम क्लास, उस डिम क्लास के बिल्कुल बैक में पीछे वन अननोटेड एक बच्चा और बैठा हुआ है जिसको नोटिस नहीं किया जा रहा, कोई नोटिस नहीं किया जा रहा, स्वीट एंड यंग बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और जो उस बच्चे की जो आंखें हैं वो सपने में कहीं खोए हुए, वो कहीं कुछ सपना देख रहा है, कुछ और सोच रहा है, ऑफ स्क्विरल्स गेम्स, किस चीज़ के सपना देख रहा है, ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों के गेम के बारे में, इन अ ट्री रूम्स, ट्री पेड़ों में जो रूम्स बने होते हैं छोटे छोटे रूम्स, उसमें जो गिलहरियों का गेम होता है वो उसके बारे में सोच रहा है, अदर देन दिस क्लासरूम में जो हो रहा है उसके बारे में उससे कोई मतलब नहीं है, इट मीन्स दैट दैट स्वीट एंड यंग बॉय, जो छोटा और प्यारा बच्चा है वो फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है लेकिन वो मेंटली क्लास में नहीं है, वो मेंटली किसी गेम्स के बारे में सोच रहा है। तो इस जो स्टैंजा जो ऊपर हमने स्टैंजा डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ हमारे से पोएटिक डिवाइसेज यूज हुए हैं, फर्स्ट वन देखिए दैट इज द लाइक रूटलेस वीड्स, एंड द सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज दैट द मेटाफर, मेटाफर यूज हुआ है दैट इज द रेड साइज एंड फादर्स नाल डिजीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड साइज चूहे जैसी आंख बताया गया है, इन हेयर द रेड साइज, हेयर द रेड साइज हैज बीन यूज हेयर विद द रेड साइज, हेयर द पोएटिक डिवाइस मेटाफर हैज बीन यूज हेयर, मेटाफर क्या होता है जब हम कंपेरिजन करते हैं दो चीज़ों का विदाउट द यूजेज ऑफ वर्ड लाइक एज और लाइक, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं और उसमें हम एज और लाइक जैसे शब्द का यूज नहीं करते हैं। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस द नेक्स्ट वर्ड इज द फादर्स नाज डिजीज, फादर्स नाज डिजीज मतलब कि जो फादर से उसको जो बीमारी मिली हुई है दैट इज द नाज डिजीज, वो बताया गया है यहाँ पर। तो नाउ लेट्स डिस्कस दिस, एक बार देख लेते हैं, ये भी हमारा एक मेटाफर है डिजीज को बताने के लिए, कैसी डिजीजेज हैं। नाउ रेपिटिशंस, पहले स्टैंजा में जो हमें वर्ड मिला था दैट इज द फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, यहाँ पर एक और हमारा रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। नाउ लेट्स गो टू द स्टैंजा नंबर टू, अब स्टैंजा नंबर टू की तरफ स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं। स्टैंजा नंबर टू में हमारे जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज द सावर, सावर मीन्स डैम्प और अनप्लीजेंट बेकार, अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा नहीं लगता है देखने में। सिविलाइज्ड डोम्स मतलब सभ्य दुनिया, सभ्य दुनिया के जो इंस्टीट्यूशन है जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वी हैव अ डॉन अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, मतलब सनराइज होने वाला जो समय होता है भोर का जो समय होता है उसको डॉन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ बेल, बेल मीन्स घंटियों, having bells मतलब घंटियाँ। then the next word open-handed maps that is the a map drawn by the powerfuls, map नक्शा जो कि powerfuls लोगों ने बनाया है। and then the next word we have a sealed, sealed means closed बंद। next seven word lead sky मतलब grey sky due to the pollutions, मतलब कि pollution की वजह से sky का grey होना। and the last word is that they in this the Tyrolese valley, a valley of flowers in Austria, Austria एक यूरोप में country है, वहाँ पर एक वैली ऑफ फ्लावर है, वहाँ पे एक वैली है मतलब जिसका नाम टायरोलिस वैली है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्टैंजा प्रॉपरली, एक बार स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। अब ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड, अब क्लासरूम्स में कुछ चीज़ें लगी हुई हैं स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मतलब जो वॉल्स पर है कुछ फोटोज़ कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं तो उनके बारे में बताया जाए। तो पहले ऑन सावर क्रीम्स वॉल्स, यहाँ पर सावर क्रीम्स वॉल्स का मतलब कि वो जो दीवारें हैं जो क्लासरूम की वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो बिल्कुल जैसे एक क्रीम होता है और क्रीम को कुछ दिन के लिए अगर रख दिया जाए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल अनप्लीजेंट सा बिल्कुल सड़ जा जाता है बेकार सा हो जाता है। तो वैसे ही उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल बेकार हो गई, पुरानी हो गई, वो बिल्कुल पपड़ियाँ निकल रही हैं उस दीवार से, तो वही बताने के लिए सावर क्रीम वॉश यूज़ किया जाता है। तो उस दीवार पर क्या क्या चीज़ें हैं डोनेशन में, कुछ चीज़ें दान में मिली हुई हैं उस स्कूल में, तो उसके बारे में बताया गया। तो शेक्सपियर हेड एक पोर्ट्रेट है, एक पोर्ट्रेट है शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की एक फ़ोटो है, क्लाउडलेस एट डॉन, और एक और फोटो है जिसमें कि भोर के समय मतलब एक भोर के समय की एक फ़ोटो है जिसमें कोई बादल वादल नहीं है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और एक शहर की फ़ोटो है जिसमें कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे डोम्स का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स, सभ्य मतलब जो सिविलाइज्ड लोग हैं मतलब सभ्य समाज है वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उस शहरों की मतलब वो बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। फिर द नेक्स्ट है बेल्ड फ्लावरी, और बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, टायरोलिस अभी बताया हमने कि ऑस्ट्रिया में एक फ्लावर की एक फूलों की घाटी है, वहाँ पर एक बहुत फूल की घंटियों वाली मतलब कुछ मतलब उस पिक्चर लगी हुई है जिसमें कि मतलब टायरोलिस वैली इज़ फेमस फॉर, तो टायरोलिस वैली की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप, और एक नक्शा है जो कि वो मैप पावरफुल्स लोगों ने बनाए हुए हैं वैसे मैप, अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जैसी दुनिया वो चाहते हैं वैसी दुनिया के बारे में उस वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ है। एंड
And yet for these children, लेकिन इन बच्चों के लिए, these windows, जो classroom में खिड़की है, जो खिड़कियाँ हैं, not this map, ना कि ये जो नक्शा दीवार में लगा है, वो उनके लिए दुनिया नहीं है, जो खिड़कियाँ हैं, वो their world, उनकी दुनिया क्या है, जो खिड़की से बाहर जो 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 उन्हें दिख रहा है वो उनकी दुनिया है, ना कि जो क्लासरूम की दीवार पे लगा हुआ मैप है वो उनकी कोई दुनिया है. विथ ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, और जो उनका फ्यूचर है वो बिल्कुल फॉग में पेंटेड है, मतलब कि जो उनकी डेस्टिनी है वो बिल्कुल स्लम एरिया में है, बिल्कुल वहाँ पर इंडस्ट्री, जो स्लम एरिया होती है बेसिकली वो इंडस्ट्रीज के बगल में ही होती हैं, तो वहाँ पर जो हार्मफुल स्मोक्स निकलते हैं, वहाँ पर स्मोक्स निकलने की वजह से जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो फॉगी हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल धुआं धुआं सा स्मोकी टाइप का रहता है. तो वो बता रहे हैं कि जो उनका जो फ्यूचर वो फॉग से पेंटेड है, मतलब कि कुछ भी क्लियर नहीं है, इट इज़ वेरी अनप्लीजेंट ओवर देयर, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और जो वहाँ जो स्लम की जो गलियाँ हैं वो बहुत पतली पतली हैं, सकरी गलियाँ हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, और जो ऊपर है वह बिल्कुल लेड स्काई है, मतलब ग्रे स्काई है पॉल्यूशन की वजह से, फार फार फ्रॉम द रिवर्स, ये भी जो ये जो जो स्काई है, मतलब ये जो स्लम एरिया है वो बहुत बहुत दूर है, कहाँ नदियों से, केप्स से एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड से, नदियों से बहुत ये दूर है, मतलब कि अच्छी जगहों से दूर हैं. केप्स, केप्स का मतलब स्टूडेंट्स जब सी या फिर जो लेक होता है उसके बीच में एक एक लैंड का एरिया जो मास, मतलब एक जो ज़मीन होती है, मतलब जो थोड़ी उठी हुई होती है जहाँ पर, दैट इज़ नोन एज केप्स, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और अच्छी अच्छी बातों से जो ये जो बच्चे हैं ये बहुत बहुत दूर हैं. सो नाउ लेट डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेज. इस स्टैंजा में जो हमको पोएटिक डिवाइसेज मिले स्टूडेंट्स, तो मेटाफर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉक्स, उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल फॉग की तरह यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर है, पता नहीं है. लेड स्काई मतलब ग्रे स्काई को बताने के लिए, द स्काई इज़ लाइक ग्रे, एंड देन द लास्ट में फिर से वही हमारा फार फार जो यूज़ हुआ है, लेट इस दैट इज. तो नाउ लेट्स गो थ्रू अगेन. तो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार इसको एक और बार समझाते हैं इस स्टैंजा में शुरू से बिल्कुल. तो इस पोएम में जो स्टूडेंट्स, जो पहला स्टैंजा जो हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसमें स्टीफन स्पेंडर्स कुछ बच्चों के बारे में बता रहे हैं, एक क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल के बारे में बता रहे हैं जो कि स्लम एरिया में है, और उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एनर्जी से बहुत बहुत दूर हैं, और जो उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल रूटलेस वीट, बिल्कुल अनवांटेड चेहरे हैं, मतलब कि सोसाइटी में उनकी कोई जगह नहीं है. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उनके येलोइश जो चेहरा है, बिल्कुल जो येलोइश फेस पड़ा हुआ है, तबीयत खराब होने की वजह से, डर की वजह से उन पर बाल बिखरे हुए इधर उधर, दे आर नॉट कॉम्ब्ड प्रॉपरली. अब उस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनके बारे में यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर बता रहे हैं. तो एक लड़की है उस क्लास में, अ टॉल गर्ल विथ अ वे डाउन हैंड, एक लंबी लड़की है जिसका जो सिर है वो नीचे झुका हुआ है. वो क्यों झुका हुआ है, तबीयत खराब होने की वजह से आप कह सकते हो, या फिर पॉवर्टी की वजह से, हंगर की वजह से, या फिर स्लीप की वजह से. द नेक्स्ट इज़ अ पेपर स्विमिंग बॉय, एक बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत पतला और बहुत वीक है, और जिसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल एक रैट की तरह हैं, चूहे की जैसी आँखें हैं, मतलब वो बहुत हंगरी है, वो खाने को खोज रहा है. द स्टंटेड अनलक्की आयर, और एक ट्विस्टेड बोन, मतलब वो जो बच्चा है उसका जो हड्डियाँ हैं जो उसके शरीर की वो मुड़ी हुई हैं, वो बेंट हैं, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस, विटामिंस की डेफिशिएंसी से बीमारी होती है, रिकेट्स उसको वो बीमारी है. एंड देन ऑफ ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई हड्डियों का, रिसाइटिंग अ फादर नाल डिसीज, और वो जो बता रहा है वो जो बीमारी है उसको अपने फादर से मिली हुई है, वो जो अपने फादर की बीमारी का उत्तराधिकारी, वो जो बीमारी है जो ट्विस्टेड बोन मुड़ी हुई हड्डियों की जो बीमारी है वो उसको पिता से मिली हुई है, और वो ये अपने डेस्क से वही इस चीज़ के बारे में बता रहा है. एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और जो अनक्लियर जो क्लास है, मतलब जिसमें बहुत लो लाइट है, उसके बैक में एक बच्चा बैठा हुआ है अननोटेड, मतलब जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, स्वीट एंड यंग, बहुत प्यारा और छोटा बच्चा. हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और वो बच्चे जो है उसकी आँखें कहीं सपने में हैं, सपने में किसके, ऑफ स्क्विरल्स गेम्स, गुलहरियों के गेम्स में, इन ट्री रूम, ट्री में जो होते हैं पेड़ों में जो घर होते हैं उसमें, वो गुलहरियों के जो गेम है उसके बारे में सोच रहा है, अदर देन दिस, इसके अलावा. मतलब यहाँ पर जो ये बच्चा है, जो छोटा प्यारा बच्चा है, ये फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, बट मेंटली ये क्लास में प्रेजेंट नहीं है. सो नाउ लेट डिस्कस अगेन, दूसरा स्टैंजा हम दोबारा डिस्कस करते हैं क्लास के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स. तो क्लास की जो वॉल्स हैं
वो सावर क्रीम्स वॉल्स है, बहुत अनप्लीजेंट्स वॉल, जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। उस क्लास में कुछ डोनेशंस, कुछ दान में कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ फोटोज़ मिली हुई हैं, जैसे शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट है, शेक्सपियर की एक फ़ोटो है, देन क्लाउडलेस एट डॉन, एक सुबह का भोर का एक समय है जिसमें कि कोई बादल वादल नहीं है, बिल्कुल जो स्काई है बिल्कुल क्लियर है सवेरे का समय, उसकी एक फ़ोटो है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ और सभ्य समाज की जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएँ हैं उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उसकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैलीज और टायरोलिस घाटी जो कि ऑस्ट्रिया में है, फूलों की बहुत फेमस घाटी है, वहाँ का एक चित्र लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप और एक ओपन हैंडेड मैप्स मीन्स अ मैप ड्रॉन बाय द पावरफुल्स, मतलब पावरफुल शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाया गया मैप जो है वो भी एक दीवार एक नक्शा जो है वो चिपकाया गया है, अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब जैसी वो दुनिया दिखाना चाहते हैं वैसी दुनिया उन्होंने उस नक्शे में बताई है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन उसके लिए लेकिन बच्चों के लिए जो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए दीज विंडोज, जो क्लास में जो खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस मैप, ना कि जो क्लास में लगा हुआ नक्शा है, वो जो खिड़कियाँ हैं वो, ना कि क्लास में लगा हुआ नक्शा, दियर वर्ल्ड वही उनकी दुनिया है, with all their future painted with fog, जिसमें कि जो उनकी जो पूरा फ्यूचर है वो बिल्कुल फॉग से पेंटेड है, मतलब जो पूरा फ्यूचर है वो अनक्लियर्ड है, मतलब बिल्कुल दिख नहीं रहा है, जो ये स्लम एरिया होते हैं वो इंडस्ट्रीज के आसपास होते हैं, तो स्टैंड इंडस्ट्री के स्मोक की वजह से जो आसपास वो जो होता है बहुत फॉगी हो जाता है, बहुत अनक्लियर रहता है, कुछ सही नहीं दिखाई देता है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, जो स्लम में जो सकरी गलियाँ हैं वो बिल्कुल बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, और जो ऊपर हैं वो बिल्कुल ग्रे स्काई है, बिल्कुल पॉल्यूशन की वजह से जो आसमान है बिल्कुल ग्रेइश है, फार फार फ्रॉम द रिवर्स, और जो ये एरिया है वो बहुत नदियों से दूर, मतलब प्लीजेंट चीज़ों से अच्छी चीज़ों से बहुत दूर है, केव्स मतलब कि अंतरिपों से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और अच्छी अच्छी बातों से दूर, और इसके में जो पोएटिक डिवाइस है वी हैव डिस्कस, और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस पोएम का एक पार्ट टू और भी दूंगा, इसमें दो स्टैंजा भी और बचे हुए हैं, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पोएम सही से समझ में आई होगी, वो स्टैंजा मैं जल्द आप लोग को दूंगा, और उस स्टैंजा में कुछ हम इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।